वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो तो भाई काफी डिफरेंट है। वीडियो है आज की, अफगान पीपल वॉन्ट इंडिया टू कट पाकिस्तान इंटू टू पीसेस। मतलब पाकिस्तान को टू पीसेस में, आर यू जॉकिंग मैन? वेल चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं, अफगान भाई की बातें सुनते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे कि भाई ये इंडिया से ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन क्या है भैया, रीजन क्या है, तुम लोग क्यों पाकिस्तान को टू पीसेस में कर रहे हो। डिवाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है। ये झूठ हुआ है, मल्क ये झूठ पर बना हुआ है, इसका इस्लाम भी झूठा है, सारा झूठा हुआ है। उन्होंने पठानों के साथ धोखा किया, उन्होंने बलोचों के साथ धोखा किया, उन्होंने सिंधों के साथ धोखा किया। अभी मैं गफूर का प्रेस वो कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो सारा झूठ बोल रहा था। तो ये बिल्कुल घबरा हुआ है, ये अंडर प्रेशर में है। इंडिया अभी ठे में उठ जाओ, बलोचो अभी ठे में, पठानों उठ जाओ अभी ठे में, कश्मीर अभी उठ जाओ, जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है और सिंधी अभी उठ जाओ, अभी टाइम है इसको खत्म करने का, अभी टाइम है। ये हमारा दुश्मन है, इसको हम कभी भी, उन्होंने बातों में बोला है कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, आप हमारा भाई नहीं है, आप हमारा नंबर वन दुश्मन है, सारी दुनिया से नंबर वन दुश्मन है। आपने हमारा तबाही कर दिया, आपने हमारा अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने 4000 पठानों का औरती गैप कर दिया, उसको साथ रेप किया। हम आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, दिल में हमारे लिए आपके कभी भी रहम नहीं आएगा, कभी भी हमारा दिल में आपके लिए रहम नहीं आएगा। आप हमको दुश्मन मानते हैं, हम आपको दोस्त कभी भी नहीं मानेगा। आप हमारे साथ फ्रॉड करता है, इस बार हम न जहाद करेगा, न कोई पठान जहाद नहीं करेगा। जहाद कटेगा कोई पठान ने लिया हुआ है, या कुरान पठान के लिए आया, या जन्नत सिर्फ पठान के लिए आए, या हम ये काम अभी नहीं करें। इंडिया हम सपा आपको बोल रहे हैं, ये जाने इसका काम जाने। जैसे हम नमाज पुश्तून जब वो रोजा रखते हैं तो ये पंजाबी इसको बोल लेता है कि रमजान जाने पठान जाने, इस बार इसको हम बोल रहे हैं कि जहाज जाने पंजाबी जाने। हम आवाम की बात नहीं करें पंजाबी भाई, मगर सबसे नंबर वन दुश्मन आईएसआई, ये मुर्तद इदारा है हमारा, ये सारा इंसानियत का दुश्मन है। इंडिया अभी ठेम है, हम आपके साथ खड़ा है, सारा दुनिया आपके साथ खड़ा है, पीछे हटना नहीं है, इसको खत्म करना है। और इसका मैं सबूत भी दे रहा है, सबूत के साथ मैं ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने हमको रशिया के खिलाफ लड़ाया और हमको बोला कि रशिया काफिर है, अगर आप कोई काफिर के साथ हाथ मिलाएगा वो हाथ काट जाएगा। इसने कुछ मौलवी रखा है अपने लिए, बिका हुआ मौलवी जो आईएसआई के लिए काम करते है, कहते हैं अगर काफिर के साथ आकर कपड़े लग जाए तो उस कपड़ों को काटो। मगर अभी रशिया के साथ फौजी मुश्किल कर रहे, उन्होंने हमको यूज किया, लाखों पठानों को उन्होंने मारा है। हमको पुख्तनिस्तान चाहिए, वो सिंधु को अपना मल्क चाहिए, कश्मीरों को जो पाकिस्तान की तरफ से उसको अपना मल्क चाहिए, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान चाहिए, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो। ये जब तक इसको खत्म नहीं करेगा सारे दुनिया के लिए बीमारी है। और इसका सबूत के साथ में आपको एक वीडियो भी दिखाता है, ये देखो मुशर्रफ अफगानिस्तान के बारे में क्या बोला है। अफगानिस्तान was the only country in the world which voted against Pakistan's entry into the United Nations in 1948. What do you expect from such a country who has been our enemy since 1948? सुन लो अफगानो, सुन लो, ये सपा बोले मुशर्रफ कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मल्क है, तो हम भी इसके लोग बोले कि आप हमारा दुश्मन बोले, आप कभी भी हमारा दोस्त नहीं था, न रहेगा और ना था। अभी हम आपको वीडियो दिखाता है कि इमरान खान ने क्या बोला है, देखो। जिनको आज हम दहशतगर्द कह रहे हैं उनको हम जहादी कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया हमने सेक्टेरियन किलर्स को, पाला हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था, उस सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी याद से कई साल पहले की बात है कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा तो क्या प्रॉब्लम क्या, कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में और जब चाहती है मैं आकर। अभी लोग बोलते हैं कि आप नफरत की बात कर रहे, नफरत की बात नहीं करते हम,
हम मुसलमानी की बात इंसानियत की बात करते हैं, मगर ये मुल्क खुद मुशर्रफ बोला है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। खुद इमरान खान बोला है कि जितना दहशतगर्द है वो हम खुद ट्रेनिंग करते हैं, हम खुद लड़ाता है। तो इसकी बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? तो हम बोल रहे हैं कि सारा पठानो अभी ठेमे उठ जाओ, और इंडिया हम कभी भी आपके मुकाबले में खड़ा नहीं होता। जितना ये कुछ गुलहान और गुलाम खान लोग है जो ISI के एजेंट है, उसके पास जो बदलुके है वो फेसबुक पर ऐसे ऐसे करते, उसको पता भी नहीं है कि पैरंग कैसे होता है। तो हम आपके साथ अभी प्रॉमिस करते कि कभी हम इंडिया के खिलाफ लड़ाई नहीं करते। हम ये हमने अपने दुश्मन को पहचाना है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही है। उन्होंने हमारा लाखों लाखों पठानों को मारे, उन्होंने हमारा अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी ठीक है, इस बर्बादी का अल्लाह ताला उसको बर्बाद और तबाह करे। ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर दे। ये पाकिस्तान के नाम पर सब पठानों को मेरा सलाम, और हम कड़ा है इंसानियत के साथ। खुदा हाफिज। सर देखा आपने, ये पठान भाई तो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब आपकी कंट्री के बारे में या आपके बारे में कोई ऐसे अल्फाज यूज करता है जो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करें, या फिर आपके लिए बोलेंगे ये तो हमारे दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी होगा वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बिहेव किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट है, और इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिक्स के लेवल पर अगर देखें तो डायरेक्टली यहां पर कहा जा रहा है कि दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, ये हमारे दुश्मन है। अच्छा, यहां पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के साथ अगर अफगानिस्तान का भी यही मामला है, तो इंडिया भी तो डायरेक्टली बात करता है ना पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान इंडिया के बारे में डायरेक्टली बोलते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। और फिर भी आई डोंट नो कि इतना फिर इंडिया उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे ये अफगानिस्तान के लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें इंडिया बहुत ज्यादा मैच्योर है, वो इस चीज को इतना फील नहीं करता। लेकिन और आज मुझे इस वीडियो से वाजह हो रहा है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से क्यों इतनी हेट करते हैं, क्यों इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के जो बंदे हैं वो ही बोलेंगे कि तुम ये कंट्री हमारी दोस्त नहीं है, दुश्मन है, और जो है वो ये लोग जहादी हैं और ये लोग ऐसे हैं वैसे। तो जाहिर सी बात है उनको भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। इमरान खान के स्टेटमेंट देख लो, फिर आप देख लो मुशर्रफ के, उसके भी स्टेटमेंट इसी टाइम। वैसे बोलनी नहीं चाहिए जो इन्होंने बोली है, और आई थिंक के इस तरह से जो है ना हेट फैलता है, दुश्मनी बोलना और नफरतें, तो खून तो जाहिर सी बातें खोलता है। और पठानों की नो डाउट जब भी जिहाद होता है या कोई भी ऐसा मसला होता है तो उसमें हमेशा अगर हम देखें तो आपके सामने ही मामलात आते हैं कि पठान ही ज्यादातर इस तरह की चीजों में नजर आते हैं। फिर अगर आप देखो तो तालिबान में भी अगर आप देखें तो वो पठान ही हैं। तो ये बात सच है कि पठान इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जिहाद के नाम पर और इस तरह की चीजों पर। और जबकि डायरेक्टली ये मुझे लग रहा है जहां तक बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा सिंधियों के बारे में, कहा पंजाबियों को तो नहीं है, सिंधियों को कहा, बलोचियों को कहा, मतलब ये डायरेक्टली उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पठान, सिंधी और बलोच जो है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पंजाबियों के साथ नहीं हो रही। मतलब कि मुझे इनकी बातों में ये वाजिया हो रहा है। तो आई थिंक इससे यही वाजह होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उससे बहुत ज्यादा खफा है, नाराज है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं लोग। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल है, जिस तरह से वो बंदा ऐसे रो रहा था, रोने वाले उसकी आवाज हो गई थी। तो शायद यही वजह है कि ये लोग इतनी हेट करते हैं। आप जब किसी के बारे में इस तरह से बातें करोगे तो जाहिर सी बात है लोगों को हर्ट भी होगा, लोग बुरा भी मानेंगे, और बुरा मानना भी पड़ता है, ऐसी बात है। जब आप ऐसी चीजें करोगे तो कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा ऐसी चीजें। तो खैर गाइस, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।